साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज अपन साथियों बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। आप लोगों के कमेंट आए थे, वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने से चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे नई जानकारी आपको मिलते रहे। साथ में बेल आइकन का जो बटन उसको भी प्रेस कर लें, जिससे जैसे मैं नई अपडेट डालूं आपके पास सबसे पहले नया जानकारी पहुंचे। तो चलिए शॉर्टली तरीके से शुरुआत करते हैं। समीर खान का क्वेश्चन है, सर ऑफर लेटर होता क्या है? भाई ऑफर लेटर क्या होता है? ऑफर का मतलब जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है, जो ऑफिस आपको ऑफर कर रही है, वो ऑफर लेटर देती है कि हमारा ये ऑफर है जिसमें आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है, ये काम करना, इतनी तनख्वाह मिलेगी, रहना खाना आना जाना टिकट वगैरह, ये आपका वीजा वगैरह, ये आपका प्रोसेस रहेगा। उस एग्री हो, यू आर एग्री, तो यहाँ पे साइन कर दो, ठीक है, उसी को ऑफर लेटर बोलते हैं। उसके बाद आप नाटकबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने साइन कर चुके हैं। फिर आप नहीं बोल सकते मैं इतनी पगार में काम नहीं करूंगा, ये आपको मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, ये मैं वो नहीं करूंगा, वो बातें बाद में नहीं चलती। ऑफर लेटर में सब कुछ फाइनल हो जाता है, उसी का नाम ऑफर लेटर होता है। एमडी सैयद बोलते हैं, सर मैं 11 साल से दुबई में रह रहा हूँ, एसी टेक्नीशियन में हूँ, वो भी बिन लादेन कंपनी में, कोई परेशानी नहीं है? हाँ भाई, वर्ल्ड में कहीं पर भी काम करना पड़ेगा तो पैसा आएगा, फ्री में तो कोई पैसा नहीं देगा। बिल्कुल यू आर राइट भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई है एमडी सैयद खान जी, क्योंकि ये मैंने वीडियो डाला था कि कौन भाई विदेश न जाए, उनपे इनका कमेंट था, ठीक है। अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो काम करना पड़ेगा, घर से बाहर रहना पड़ेगा। अगर परिवार को सुखी रखना चाहते हो तो आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा। अगर परिवार को दुखी रखना चाहते हो तो घर में रहो, फिर काम नहीं करोगे तो परिवार दुखी, आप दुखी। ये तो है नहीं कि पूरी दुनिया के सबके बिजनेस हैं जो सुबह गए शाम को वापस आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा पैसा कमाना है, फैमिली को सेटल रखना है, तो भैया विदेश में, या विदेश में नहीं इंडिया से कहीं पर भी जॉब करना पड़ेगा आपको, कहने का मतलब यह है। नसरुद्दीन चौधरी बोलते हैं, इफ यू पोस्टेड योर मोबाइल नंबर फॉर कॉलिंग एंड व्हाट्सअप देन वी नॉट रिप्लाई, मोबाइल नंबर ऑलवेज स्विच ऑफ, व्हाट्सअप नो रिप्लाई टुडे। यानी इस भाई का, नसरुद्दीन चौधरी साहब है, इन्होंने बोला है मैंने 28/6/2019 को 12:11 पे आपको व्हाट्सअप किया, तो भाई कौन सा आपने क्या कर लिया यार, दोबारा कर लेते इतने। या तो है नहीं कि अब मोदी साहब का फोन आ रहा है, मैंने अटेंड एक कॉल में नहीं किया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, वो इतने बड़े आदमी है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। बार फोन जिस इंसान को लगता है कि आपको मेरे पास फोन करने से आपका समाधान हो सकता है, तो कॉल अटेंड नहीं हो तो दोबारा कर सकते हो। आपने कमेंट लिखा है एक बार, हो सकता है एक दो बार कॉल किया होगा, यार आदमी बिजी होता है कॉल अटेंड नहीं कर पाता, ठीक है, तो दोबारा कर सकते हो। मुझे जरूरत होती है तो मैं 10 कॉल कर लेता हूँ अगले को, क्योंकि अपना काम है यार, अपना काम होगा तो फोन करना पड़ेगा, नहीं करो तो मत करो, काम किसका है, अपना, अपने को कॉल करना पड़ेगा। ये एहसान जताने वाली बात नहीं है कि नो रिप्लाई नो मैसेज, जरूरत है तो फोन करना पड़ेगा, नहीं जरूरत है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है भाई। दिल से रुखसाना बोलते हैं, आप खाली बोलते रहते हो बस, कुछ काम तो करते नहीं हो, ठीक, मैंने फीस भी दिया 500 रुपए, आपने जवाब नहीं दिया, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? तो भाई मैं बता दूं आपको कि एक बार रिप्लाई नहीं दिया, दो बार नहीं किया, दोबारा कर लेते, आपने पैसे दिए ना, मैं तो पैसे नहीं दिए उनके भी सुन लेता हूँ, तो आपने तो फीस दिए तो आपके तो ज्यादा सुनूंगा ना। आप दोबारा देखो क्या होता है यार, जरूरी नहीं होता है कि यार कितने सारे इतने कॉल मैसेज, मैं भी काम करता हूँ बिजी होता हूँ तो रिप्लाई नहीं दे सकता, करते रहो, दो तीन चार बार कर लो ना। आपने पैसा दे दिया यानी आपने फीस दे दी तो आप कर लेते कॉल 1-2-3-4 बार, मैंने हालांकि मैसेज किया अगेन ट्राई करो मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बिजी होता है तो रिप्लाई नहीं दे पाता। बाकी मैंने 48 घंटे का टाइम दे रहा है, 48 घंटे का मतलब होता है एक दिन में 8 घंटे होते हैं, 4 दिन का टाइम मैं लेता हूँ पहले से, ठीक है ना, तो बाकी रिप्लाई देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास निर्मलकर बोलते हैं, सर वेब डेवलपर की जॉब बताइए दुबई में। भाई वेबसाइट डेवलपर अगर आप हो तो बिल्कुल आप, या तो ऑनलाइन कैसे भी सर्च करके, आप बहुत सारी कंपनी है जिसको वहां पे रिक्वायरमेंट होती है तो आप जा सकते हो, या फिर आप सीवी वगैरह कैसे भी करके, बहुत सारी इस जॉब में तो मांग है, वेबसाइट डिजाइनिंग में तो जॉब बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी, 5-6 हज़ार आराम में आपको जॉब मिल सकती है, तो आराम से जॉब मिल जा सकती है, आप ट्राई करें। सर जी हम फिलहाल दुबई में हैं, मुझे यहाँ ही सेट कर दो ऐसी कंपनी में, कंपनी का नाम क्या जरा बताने की कृपा करें। भाई देखिए ऐसे सेट नहीं होता, दुबई में कौन बैठा है जो आपको सेट कर देता है, बंदे पैसा वहां पर भी एजेंट है, इंडिया में एजेंट है, वहां पर भी एजेंट है, कम से कम 1500-2000 दराम लेते हैं आपको दुबई में जॉब सेट करवाने के, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ऐसे कोई नहीं सेट करेगा, क्योंकि आप पैसा दोगे तो अगले की जिम्मेदारी हो जाती है, वो फिर कंपनी में आपको लेके जाएगा, आपका इंटरव्यू कराएगा, आपको सेटल कराएगा, आपका वीजा लगवाएगा, समझ गए बात को, ये सब उसका प्रोसेस होता है, बदले में वो पैसा लेते हैं, सीधी बात है, क्योंकि आप गए हो यार वहां पैसा खर्च करके, तभी कुछ नहीं हो पाया, तो थर्ड पर्सन आदमी जिसको कोई लेना देना नहीं आपसे, वो फ्री में कैसे कर देगा, तो भैया पैसा लगता है 1500-2000 दरम, ठीक है। ये सब लोगों के लिए है जो दुबई में लीगल हैं,
जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब लगना चाहते हैं, वो वीजा लगाना चाहते हैं, उनके लिए सबके लिए है। बाकी दुबई में इलीगल है उनका भी ऑप्शन है, जितने दिन इलीगल है उसका फाइन भरो और वीजा लगवा लो। वेरी सिंपल। DRMD रियाज, यानी ये डॉक्टर है अपने आप को बता रहे हैं, बहरीन फोरमैन मैंने जॉब डाला था, क्या बकवास वीडियो बनाते रहते हो। तो भाई देखिए मैं बता दूं, आप डॉक्टर हो सकता है आपने DR लगा रखा है, मुझे नहीं पता आप डॉक्टर हो कि नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर होते तो ऐसे बकवास आप वर्ड नहीं लिखते। फोरमैन का मतलब होता है जो फोरमैन है उनके लिए है ये वीडियो। मैं साफ साफ टाइप डाल देता हूँ ऊपर हेडिंग में कि फोरमैन जॉब कुवैत, फोरमैन जॉब बहरीन, यानी जो फोरमैन से रिलेटेड है वही देखो ना वीडियो, फालतू में देखने की जरूरत कहाँ यार। मैं कोई आपको बरगलाता नहीं हूँ कि उसके अंदर तो कुछ डाल रखा है, ऊपर कुछ डाल रखा है, साफ लिखा है फोरमैन जॉब बहरीन, यानी जो फोरमैन से रिलेटेड है बहरीन जाने वाले, वही वीडियो देखे, फालतू देखने की जरूरत कहाँ है। तो भाई मूर्ख तो आप हो कि आप ये वीडियो देखते हो, आपके लायक वीडियो है ही नहीं तो आपको देखने की कहाँ जरूरत पड़ गई, आप अपने आप को डॉक्टर मानते हो। मैं वीडियो बकवास नहीं बनाता, जरूरी नहीं कि सब आपके लायक ही हो, और भी बहुत सारे लोग होते हैं फोरमैन है उनके लिए है वीडियो, उनके लिए बहुत काम की वीडियो, आपके लिए नहीं है, तो ऐसी बातें मत लिखा करो, समझदार आदमी हो। विनोद सिंह जी रावत बोलते हैं वीडियो अच्छा है लेकिन आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ा, सर जी 14 तारीख को भेज दिया था, आपकी फीस भी पहले दे चुका हूँ। भाई मैंने आपको आंसर दिया, सर मैसेज दोबारा कर सकते हो ना, वॉइस रिकॉर्ड छोड़ दो, आंसर मिल जाएगा। एक ऐसे मत किया करो यार, ऐसे नहीं कि फीस देते आपने बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया, एहसान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। फीस दी है, 4 दिन का मैं टाइम लेता हूँ, फिर भी रिप्लाई नहीं देता तो दोबारा कर लिया करो यार, मुझे जरूरत होती है मैं दोबारा कर लेता हूँ, अगले बार 10 बार मैं फोन कर चुका, मैं कर लेता हूँ 10-10 बार फोन। ऐसा तो नहीं है ना कि फीस दे दी अच्छी बात है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन उस जिस जब चाहो तब तो कई बार नहीं मिल पाता, लेकिन दोबारा मिल जाता है तो दोबारा ट्राई कर लिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये कमेंट मैं इसलिए ले रहा हूँ, लेने की जरूरत नहीं थी लेकिन लेना पड़ता है, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए इस बात का। कभी आपने अपने ऊपर वीडियो नहीं बताया, किशोर कुमार जी बोलते हैं भाई मैं तो हर वीडियो में बता चुका हूँ, हमारे राजस्थान में, हमारे सीकर में ये होता है वो होता है, क्लब से रिलेटेड बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं तो बहुत बता चुका हूँ, राजस्थान सीकर से हूँ भाई, ठीक है। प्रिंस मेहरा बोलते हैं सर 7 मंथ हो गए हमें दुबई आए हुए, अब तक वीजा नहीं लगाया है, मेडिकल करवाया, टाइपिंग सेंटर से चेक करवाया था, बोलते हैं तुम्हारे फाइन भी बहुत हो गया है, अब वो खुश बता रहे नहीं रहे हैं, आप कब लगवाएंगे, कभी मेडिकल करवाया आप तो बता दो, वो लगा सकते हैं। भाई देखिए दुबई का सिस्टम है, आप 7 महीने से इलीगल हो, 7 महीने से इलीगल हो, जितने महीने आप इलीगल थे ना वो आपको जुर्माना जमा कराना पड़ेगा, अब पर डे वहां पे फीस होती है 20-30 दरम कितनी भी होती है, वो पैसा पहले जमा कराओ फिर ही आपका वीजा लगेगा, ऐसे कोई वीजा नहीं लगेगा, कितनी बार मेडिकल करवा लो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है भाई। तो साथियों ये दुबई से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन थे, मैंने वीडियो के माध्यम से आंसर दिया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे नई जानकारी आपको मिलते रहे, जिससे धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। जय हिंद।